और चोली से बीच बड़ी खबर, अमृतसर में गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच में मुठभेड़ और मूसेवाला मर्डर में शामिल गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़ लगातार कई घंटे से जारी है। एनकाउंटर में एक गैंगस्टर भी मारा गया है, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और मुठभेड़ में 2 स्थानीय लोगों को भी गोली लगी है। अटारी के पास में गांव में चल रहा है एनकाउंटर, मौके पर 6 से 7 गैंगस्टर्स के होने का अंदेशा भी है। लेकिन बड़ी खबर ये कि एक गैंगस्टर के मारे जाने की जानकारी, देखिए तस्वीरें भी अब इसके सामने आई है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल गैंगस्टर्स से मुठभेड़। अटारी के पास स्थित एक गांव की पुरानी हवेली में 6 से 7 गैंगस्टर्स के छिपे होने की जानकारी, 2 गांव वालों को भी गोली लगी है। कई पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो कि इस मुठभेड़ में शामिल है। कई गाड़ियां वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए खेतों से सटा हुआ इलाका, यहां पर एक पुरानी हवेली जिसमें 6 से 7 गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स में शामिल है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल गैंगस्टर्स और शूटर्स भी। जानकारी ये कि मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, 2 स्थानीय लोगों को गोली लगी है। लेकिन बड़ी बात है कि एनकाउंटर में गैंगस्टर को मारा भी गया है। सिकंदर अपना कैमरामैन है जिसको गोली लगी है। तो अटारी के पास गांव में एनकाउंटर चल रहा है, आपको जानकारी दे दें कि मौके पर 6 से 7 गैंगस्टर्स के अभी भी होने का अंदेशा है और ये तस्वीरें भी लगातार देखिए इसकी सामने आ रही है। मीडिया वहां पर मौजूद है क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है और जानकारी जो ऐसे ही खबरों के जरिए सामने आई कि वहां पर 6 से 7 गैंगस्टर जो कि एक पुरानी हवेली बताई जा रही है अटारी गांव के पास, वहां पर छिपे होने की सूचना जो पाई गई और उसमें ये जानकारी सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल 2 गैंगस्टर्स 2 शूटर्स भी शामिल वहां पर है। एनकाउंटर वहां पर किया जा रहा है, देखिए पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी अभी जानकारी यह है कि जख्मी हुए हैं, एक गैंगस्टर मारा भी गया है।